तो ये यहाँ पे हम बॉनफायर करेंगे। -3 टेम्परेचर है यहाँ, ठंड बे इंतहा है, लेकिन फैन तोड़ लिया है। अब मज़ीद जितना आगे जाएंगे तो -20, -25 तक भी टेम्परेचर जाएगा। तो अभी ये बॉनफायर का सीन है और यहाँ पे हमारा खाना लगा हुआ है बारबेक्यू, जो बन चुका है और अब हम जो है वो खाना खाएंगे। सो बहुत शोर आ रहा है, लेकिन किस चीज़ का शोर है, पानी का शोर है बहुत ज़्यादा। नज़र मार के देखता हूँ, कोई है मेरी सांस रहना। तो सो के उठ चुका हूँ और अब मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाना चाहता हूँ कि हमारे होटल का व्यू क्या है। तो ये देखिए, ये है रकाबोशी। ये आप बेइंतहा होटल्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, लेकिन यहाँ की सर्विसेज, यहाँ के रूम, सफाई और 24 आवर्स की जो यहाँ सर्विस है वो वाकई है। हम रात के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे किसी को बुलाएं तो बंदा आता है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। और अगर आपने रकाबोशी आना है तो एक होता है व्यू, होटल सारे हैं, सर्विसेज भी देते हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन एक व्यू होता है, जो व्यू आपको यहाँ से मिलेगा वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। तो रकाबोशी बेस वन, ये जो है इनका नंबर लिखा हुआ है, मैं आपको कार्ड भी दिखा दूँ, ये इनका कार्ड है, ठीक है, ये इनका कार्ड है। और आप जब भी हैं मेरा नाम ले आके यहाँ पे भाई से, भाई अपना नाम बताएं। तनवीर नाम है इनका, मैंने इनको दिखा दिया इसलिए कि अब आप जब भी आएँ तो इनके पास आएगा, तो आप आगे यहाँ पे मेरा नाम लेगा, इंशाल्लाह आपको मज़ीद थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और आपको सर्विसेज तो इनकी खैर है ही बहुत बेहतरीन, लेकिन इंशाल्लाह आपको ये मज़ीद जितना कुकिंग भी यहाँ कराची की कुक है हमारे पास। अच्छा, कराची की कुक आप खुद ही करते हैं? अच्छा, आप खुद ही करते हैं, मतलब सब खा सकते हैं, बारबेक्यू हो या कढ़ाई हो, बिरयानी, बारबेक्यू, कढ़ाई, सब कुछ मिलेगा। कढ़ाई 3-4 वैरायटियों में है। अच्छा, हमारे पास तो मतलब खाने को भी सब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। और मैं आपको व्यू भी दिखाऊँ, मैंने आपको दिखाया था पीछे से आपका रकाबोशी पॉइंट का पूरा व्यू। यहाँ पे जो है बॉन्ड फायर, बारबेक्यू, अगर आप बारबेक्यू खुद भी करना चाहें, लड़के या फैमिली तो कर सकते हैं, बारबेक्यू खुद भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ये सारा व्यू है। तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है ये। तो फिर हम सुबह सुबह जो है वो नलतर के लिए रवाना हो गए रकाबोशी से, और मज़ीद मेरे ख्याल से ये कोई आधा घंटा हमें बैकवर्ड जाना पड़ा नलतर के लिए। और वहाँ से हमारी गाड़ी नहीं, वहाँ से जीप जाती, क्योंकि उसका रास्ता थोड़ा सा ऑफ रोड रास्ता है। अबे ये फंसे जा रही है यार, ये मारो। अबे शिरोस, इस ड्रग को पकड़ के ना लटक, नीचे उतर जा, जैसे ऊपर जाएगा ना छाई नीचे आ जाएगी। अबे शिरोस, इस ड्रग को पकड़ के ना लटक, नीचे उतर जा, जैसे ऊपर जाएगा ना छाई नीचे आ जाएगी। अबे शिरोस, इस ड्रग को पकड़ के ना लटक, नीचे उतर जा, जैसे ऊपर जाएगा ना छाई नीचे आ जाएगी। उस ड्रग पे चढ़ना पड़ेगा, ऊपर लगी है आईटी लॉक। नाजरीन, ये ऊपर चढ़े हुए और कुबाई तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आधे घंटे से, नहीं तोड़ भी नहीं पाए, देखते हैं क्या करते हैं। सही से हिलाओ, सही से हिलाओ, खुबानी मिल चुकी है बहुत मेहनत के बाद, 15-20 खा ली है बाकी की। खुबानी मिल चुकी है बहुत मेहनत के बाद, 15-20 खा ली है बाकी की। सत्य में विजेता हुई है इनकी आज। आ जाए आगे चले, बहुत मजे की। हमारे भाई मरने वाले हैं, ये देखो भाई, ये कुछ मेरे हाथ में है, इतनी ही सबके हाथ में है। तो माशाल्लाह पूरा जो है वो चोरी के अंदर जो है हमने PhD कर ली। गाड़ी आ चुकी है, ये रही गाड़ी, इसमें जाएंगे हम लोग गाड़ी में ऊपर नलतर के लिए जाएंगे, 0 पॉइंट के लिए। 2 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे का जाने का, 2 घंटे आने का, 0 पॉइंट है, मतलब आखिरी सब लोग 2 घंटे, 3.5 घंटे का रास्ता है। तो हम नलतर के लिए जो है रवाना हो गए। तो हमें चला पता कि जो वहाँ के जो मुकामी लोग होते हैं, जितने भी हैं, उन्होंने ये बताया कि जो नलतर वैली है वो ये मानते हैं कि
नलतर वैली अल्लाह ताला ने वो टुकड़ा जो है वो जन्नत से भेजा है ज़मीन पे, वो इतना हसीन है कि बिना देखे इंसानी आँख उसका मतलब उसके हुस्न का जो है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मतलब आधे घंटे की ड्राइव के बाद जो है वो रास्ता में थोड़ा ख़राब मिलना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा ख़राब, कहीं कहीं रास्ता बंद भी रहा था, आप वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पे पानी डालना पड़ता है बार बार, वो व्यू देखें आप, शदीद ठंडी हवा है। यहाँ से ना वाइब्स चेंज हो रही थी, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे मौसम भी मतलब बदल रहा था। मतलब आप एक बार सोचो, जब मैं नीचे था तो इतनी शदीद गर्मी थी, धूप थी, और जब मैं आगे बढ़ा तो बारिश स्टार्ट हो गई। मतलब मुझे फील हो रहा था कि यार मैं कोई जादुई दुनिया के अंदर एंटर होने वाला हूँ। मुझे वो वाइब्स आ रही थी कि मतलब मैं कहीं अलग जगह पर जा रहा हूँ। बारिश, मज़ेदार ठंडी ठंडी बारिश हो रही है, और ये व्यू देखो आप, ओए होए होए, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या व्यू है, और जन्नत है। मतलब बारिश ऐसी हो रही है, मैं बड़ी हिम्मत करके निकला हूँ और मज़े की बारिश हो रही है। और ये वो गाड़ी से हम लोग आ रहे हैं, पीछे आप मौसम देखें चारों तरफ से, यार उफ़ क्या बात है। आपके भाई ने ना आपके लिए बहुत मेहनत की है, डे बाय डे रोज व्लॉगिंग की है मैंने, ठीक है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई प्लीज मेरे व्लॉग की स्टोरीज लगा दिया करो, अपने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर किया करो यार। ये वैली जितनी हसीन थी उतना आपको यहाँ ख्याल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ पे जो है वो स्नो लेपर्ड्स भी होते हैं, चीते नीचे भी आ जाते हैं कभी, इनकी भेड़ बकरियों को भी उठा के ले जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस पर। मैं लिटरली आपको नहीं बता सकता कि मेरी इस व्लॉग को एडिट करते हुए क्या वाइब्स हैं। मतलब मुझे फील हो, जैसे होता है ना कि आप एक किसी जादुई दुनिया के अंदर एंटर हो रहे हो, आहिस्ता 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 जाते जाते जाते, वो वाला फील था यार। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी हसीन जगह नहीं देखी। तो अभी जो है ये पत्थर लगा रहे हैं क्योंकि गाड़ी का रास्ता बहुत हुआ है, ऑफ रोडिंग है सारा। मैं आपको एक बार व्यू दिखा दूँ उसका पूरा, ये देखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे मैं व्लॉग बनाने के लिए नहीं उतरा था, आपके भाई है बहुत फटू, क्योंकि ये गाड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती है तो मेरी बहुत फटती है, मैं तो बाहर आ गया। एक बार ज़रा इमेजिन करके देखो ये दुनिया, इनको पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी क्या फीलिंग्स थी। और फाइनली इतनी देर के बाद वो मोमेंट आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। माशाल्लाह यार, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ और कहाँ ये जगह है। एक बार देखें ज़रा इस झील को, कुदरत देखें आप अल्लाह की, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। यार मेरी बात सुनो इधर, माइलस्टोन वाले हमें यहाँ लेकर आए, बिल्कुल लेकर आए, तुम हमें उनके गाइड यहाँ लेकर आए, गाइड लेके आया मैं आपको। मैंने सोचा कि तुम्हें देख के पहले कि यार तुम खुद लड़के हो, क्या टूर कराओगे, क्या होगा, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा हम में घुलना मिलना, मजाक हंसी मजाक दोस्तों की तरह हो गया, बिल्कुल ऐसे है। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने जो है कैसे
ये ड्रिल्स कवर किया, मतलब मतलब मैनेज किया। और ये चीजें तुमने हमें जो लाके दिखाई हैं यार, मतलब दिखाना जरा, दे दिखाओ। हाँ ये चीज, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब इसने मुझे, अच्छा तुमने जब मुझे कहा था ना तो कि हमें आगे जाना, तो मैंने कहा यार नाल्टर नल्तर का व्यू थोड़ा रोक देते हैं। आपको अभी दिखाया, आपको नल्तर का व्यू कैसा लगा कि रोक यार, मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं लिटरली खुदा की कसम जितना आप कैमरे में देख रहे हो उससे कहीं ज्यादा हसीन है। मैं कहता हूँ जन्नत का एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा। हम बोलते हैं हमारा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, बता नहीं सकता कि यार, मतलब दिखाओ इसकी तो बात एक अलग है। मेरा भाई मतलब बड़ा एंजॉय करा रहा है। ये हमारा भाई, ये हमारा वेल, ये हमारा बंदा जो हमें जो है पिंडी से लेकर आया है, हमारा बंदा ये है पिंडी से, मैं बंदा ये लेकर आया है। और फुल ये मुझे कहीं से भी लगता कि भाई ये बंदा टूर करवाएगा, ये बंदा जो है ना मुझे लग रहा है कि ये फुल मॉडल है। शाहजी अपना नाम बताओ। मेरा नाम फैजी शाह है। फैजी शाह है। और अगर लोग आना चाहें तुम्हारे साथ टूर पे तो नंबर क्या है फिर? एड्रेस नंबर लिखने हैं, नंबर बताओ। 03145252672। ठीक है, जिनको किसी चीज़ की परेशानी ना हो और 100% उनको हर चीज़ मिले और उनको होटल खाना घूमना फिरना, तो फिर माइलस्टोन 100% रिकमेंडेड मेरी तरफ से, 110% रिकमेंडेड है। मैं बता नहीं सकता कि थैंक यू सो मच फातिमा, थैंक यू सो मच साकिब भाई, थैंक यू सो मच अनस, फैजी भाई थैंक यू सो मच। मैं नहीं बता सकता क्या तुम लोगों ने क्या क्या दिखाया और क्या क्या जगह तुमने आप ये बता, आपने एंजॉय किया यहाँ पे आने के? बहुत बहुत एंजॉय। और मैं तो इस चीज पे खुश हूँ कि अभी हमारा एक पैर देखा जाए तो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है ये ऑफिशियल। अभी आगे हमने हुंजा और खुंजरा भी देखना है, मेन हमारा पॉइंट हुंजा, उसके बाद हमारा फाइनल एग्जिट है खुंजरा पास। खुंजरा पास पे भी हमें बहुत एंजॉय होगा और हुंजा में उससे ज्यादा एंजॉय होगा, क्योंकि हुंजा का जो स्टे है हमारा होटल बहुत प्यारा स्टे, उसका होटल वगैरह बहुत अच्छे है, हर चीज हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी। यार फिर देखो यार कुदरत है, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इतना साफ पानी और जमीन तक देखो नजर आ रही पौधे। उस जन्नत के टुकड़े से निकल के जब हम आगे रवाना हुए तो रात बहुत हो चुकी थी। व्लॉग क्या कंटिन्यू करता, अगली मंजिल हमारी हुंजा की थी। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में हुंजा में।